हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और अब ये खत्म होने को आया। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रिसर्च कैसे कर सकते हैं, आप और ज्यादा कैसे सीख सकते हैं और ज्यादा हैकिंग के बारे में कैसे जान सकते हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि इंटरनेट पर सब चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सब चीजें आप कैसे ढूंढोगे और कैसे सीखोगे। मैं एकदम अंदर की बात आपको बताऊंगा जो इस हैकिंग की दुनिया में चलती है। लोग जो खुद से सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि मुझे कहां से सीखना है। मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई किया, मेरे को जहां से चीजें सीखने को मिलती थी मैं सीख लेता था। ये मैं बात 2005 की कर रहा हूँ। उस जमाने में हैकिंग तो बहुत दूर की बात है, कंप्यूटर भी हर किसी के पास इतने ज्यादा नहीं हुआ करते 2005-2004 में। तो फिर मैंने कैसे शुरुआत की वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब इंसान कोई नई चीज देखता है ना तो वो उसके बारे में जानना चाहता है, जब उसे आश्चर्य होता है। तो मैं अपनी स्टोरी बता देना चाहता हूँ आपको कि जब पहली बार मेरे हाथ में मोबाइल फोन आया था तो उस वक्त क्या होता था, रिलायंस की कोई स्कीम चली थी जिससे बहुत ज्यादा कॉल्स कर सकते थे, राइट। तो उस जमाने में इतना नहीं पता होता था कि कॉल वगैरह तो पता थी, चलो टेलीफोन करते हैं ये होता है। मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन था, तो पहली बार जो मैंने फीचर निकाला था उसमें वो कॉल डाइवर्ट का, मतलब मैंने सीखा था कॉल डाइवर्ट कैसे की जाती है। उस जमाने में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में फ़ोन इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोन्स होते थे ज़्यादातर लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास। तो मैंने कॉल डाइवर्ट करनी सीखी। तो मैंने ये सीखा कि अगर मेरे नंबर पर कोई कॉल करेगा तो वो मेरे पास ना आकर किसी और के पास जाएगी, और उसके साथ मैंने बहुत प्रैंक किए। फिर धीरे धीरे मैं मोबाइल फ़ोन्स की ऐसे फीचर जानता गया। मैंने एक और नया मोबाइल देखा जो मैंने बोरो किया था अपने दोस्त से 2 दिन के लिए, जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग फीचर था। मतलब उस जमाने में कॉल रिकॉर्डिंग फीचर मोबाइल में बहुत बड़ी बात है, वो भी 30 सेकंड तक। आप 30 सेकंड के मेमो रिकॉर्ड कर सकते थे, एक ब्लैक एंड व्हाइट पैनासोनिक का फ़ोन था, एंटीने वाला, आप भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने चीज़ें सीखी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जब तक आप नई नई चीज़ें सर्च नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें नहीं जानेंगे, तब तक आपको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप हैकिंग के बारे में ही सर्च करो, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कुछ भी सर्च कर सकते हो। आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, मतलब आपको कंप्यूटर से जुड़े रहना है। जब तक आपको अपने कंप्यूटर से प्यार नहीं होगा आप हैकिंग नहीं सीख पाएंगे। आदत बनाइए कंप्यूटर पर बैठने की, काम करने की आदत बनाइए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप आधा घंटे बैठे और थक गए, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप तैयार हैं कि आप इंटरनेट को और अपने कंप्यूटर को अगर चाहो तो दिन में 8-8 घंटे दे सको, तो आपको सीखना है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि अरे भाई हम तो काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे या कंप्यूटर चलाएंगे, तो जब भी आपको जितना भी वक्त मिले आप जरूर दें इन चीज़ों को। YouTube और Google ये दो बेस्ट जगह हैं सीखने के लिए, और वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सीखा और कैसे आप सीख सकते हैं। इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद शायद आपको हैकिंग से रिलेटेड और प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। मैं आपको ऐसा गाइड कर दूंगा कि आपको और किसी प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही सीख जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल। ब्राउजर खोल लिया मैंने और यहां पर youtube.com खोल लिया, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी चीज, ठीक है। अब सर्च कैसे करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए लर्न काली, ठीक है, एंटर मार दीजिए। ये देखिए हैकिंग कोर्स काले लिनक्स कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच, ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से उठाइए और सीखिए, और ध्यान दीजिए कि काले लिनक्स की जो कमांड है कुछ वो चेंज होती रहती, ठीक है। जो MSF पेलोड था अब वो MSF Venom हो चुका है। ऐसे कमांड्स जो होती हैं वो चेंज होती जाती हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि सबसे लेटेस्ट वाली जो वीडियो बनी है वो आप देखो, क्योंकि मेरे जैसे सिखाने वाले और लोग भी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में माहिर हैं, ठीक है। देखिए स्पीयर फिशिंग अटैक क्या होता है, ये अलग अलग टर्म, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सर्व कर रहा हूँ, अब सर्व करते करते मुझे एक नई चीज़ दिखी, स्पीयर फिशिंग अटैक। अच्छा ये क्या है, चलिए तो इसके बारे में हम गूगल पे गए और लिखा स्पीयर फिशिंग अटैक, ठीक है, यहाँ लिख दिया। आप देखिए ये बोलेगा स्पीयर फिशिंग अटैक
Phishing is an email that appears to be from an individual or business that you know, but it isn't. It's from the same criminal hacker who wants your credit card and bank account number, password and financial information on your PC. ठीक है, तो जो phishing की बात हमने की उसे spear phishing कहते हैं, हम जान गए। चलिए, कुछ नया जानने को मिला, right? ऐसे ही आप इंटरनेट सर्फ करना शुरू कीजिए, जो नई टर्म मिले उसे गूगल कीजिए, उसके बारे में सीखिए, फिर आप मान लीजिए ये स्पीयर फिशिंग के बारे में। अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, लिख देंगे यहाँ हाउ टू। ठीक है, अब देखते हैं हैक लाइक अ प्रो, हाउ टू स्पीयर फिश, ठीक है, विद सोशल इंजीनियरिंग। पहला ही रिजल्ट आ गया, आप यहाँ क्लिक कीजिए, सीखिए, कोई कमी नहीं है इंफॉर्मेशन की इंटरनेट पर। 95 से लोग इंफॉर्मेशन डालने पर ही है इंटरनेट पर, निकाल नहीं रहे, डाल ही रहे इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन की इंटरनेट पर कोई कमी नहीं है। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आप गलत हाथों में ना पड़ जाएं, मतलब आप गलत काम ना करने लगें। अब आपको जब ये सब चीज़ें आप जानने लगेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सीखने में, आपको लगेगा अरे मैं तो किसी को भी हैक कर सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये चीज़ें अगर आप इलीगली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा इसको दोहरा दूँ कि आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे के लिए करनी है, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए करनी है और अपना करियर अच्छा बनाने के लिए करना। हो सकता है आप किसी आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं या ऐसी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी जगह पर आप इस कोर्स को सीखने के बाद बिल्कुल अलग खड़े हो जाएंगे, आप एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल कंप्यूटर यूजर नहीं रहेंगे। ठीक है, आप ऐसी चीजें जानते हैं जो आम तौर पर आम इंसान नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फायदा रहेगा। ठीक है, तो ये तो रही बात कैसे सीखा जाए। अब सिर्फ सीखने से ही नहीं होता है, इंसान पैसे भी बनाना चाहता है, जब कुछ नया सीखता है तो उससे वो पैसे भी बनाना चाहता है, राइट? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हैकिंग स्किल से और छोटी मोटी कंप्यूटर नॉलेज से कैसे पैसे बना सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हैकिंग का कोर्स नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, ये उन पर भी लागू होता है, और मैं आपको अलाउ करता हूँ कि ये चीज़ आप उनको भी बता दीजिए। हैकिंग की बाकी चीज़ें नहीं बतानी किसी को भी, ये स्ट्रिक्ट मैंने इसमें गाइडलाइंस दी हैं कि आपको ये किसी को नहीं बताना, लेकिन ये जो चीज़ है कि पैसे कैसे बनाने, ये आप अपने दोस्तों को या किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमें लिखना होगा फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्रीलांसर वर्क जो करते हैं लोग, वो किसी कंपनी से जुड़े नहीं होते हैं, वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि काम करता है। देखिए, द फ्रीलांसर और फ्रीलांस वर्कर इज अ टर्म कॉमनली यूज्ड फॉर अ पर्सन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इज नॉट नेसेसरीली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर लॉन्ग टर्म। किसी कंपनी से जुड़ा नहीं होता, किसी से जुड़ा नहीं होता, जैसे उसके पास काम आता जाता है वो करता जाता है। ठीक है, तो अब आपको काम कहाँ से मिलेगा, ये सवाल उठता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो कर रहे हैं उसमें महारत हासिल कीजिए। अगर आप लोगोज बना रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस फील्ड में बेस्ट हो जाइए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी उंगलियां और आपकी आंखें चल दौड़ने लगे उस काम में। ऐसा हो कि आपने अगर दारू भी पी रखी हो या आप आधे बेहोश भी हो तब भी उस काम को कर लें। इतनी महारत हासिल करो और फिर इन वेबसाइट्स पर जाओ। देखिए, जैसे freelancer.com है, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको काम मिलेंगे। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए, हायर एक्सपर्ट फ्रीलांस सर्च फॉर योर ऑनलाइन जॉब। ठीक है, तो यहाँ आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, तो बहुत लोग आते हैं अपना काम कराने, तो आप उनके सामने एक प्रपोजल डाल सकते हो कि सर मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो आपको सेलेक्ट करेंगे, आप उनका काम करेंगे, वो आपको पैसे देंगे, राइट? अब ये तो रही freelancer.in एक साइट। अब ऐसी एक और साइट भी है जिसका नाम है ओडेस्क, एलांस ओडेस्क, देखिए, द ग्लोबल ऑनलाइन वर्क रिपोर्ट, और यहां पर ये साइट चेंज होके अब अपवर्क हो गई है। देखिए, अपवर्क, ठीक है, पहले ये ओडेस्क थी, ये अपवर्क हो गई है, यहां भी आप जाके काम कर सकते हो। तो ऐसी फ्रीलांसर वेबसाइट्स बहुत सारी है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, ये दो तरीके हो गए, दो वेबसाइट हो गई, मैं आपको एक तीसरा तरीका बताता हूँ जो स्पेशली इंडियंस के लिए, मतलब इंडिया वाले लोगों के लिए। आप एक काम कीजिए, OLX पर जाइए। ठीक है, OLX के बारे में तो आपने सुना होगा, यहाँ पर आप सामान बेचते हो, चीजें बेचते हो। अब यहाँ पर कोई भी एक फ्री ऐड डाल सकता है, राइट? तो आप ऐसे ऐड डालिए कि हम वेबसाइट बनाते हैं, हम ये करते हैं, फ्री ऐड रोज डालते रहिए। क्या है, एक ऐड भी नहीं डाल सकते हैं, आप एड्स डालते रहिए,
हो सकता है कोई इंसान कोई चीज खरीदने आए दूसरी और उसको वेबसाइट भी बनवानी हो और वो आपका एड पढ़ ले, तो आप उसकी वेबसाइट बना सकते हैं। या अगर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ मान लो अपने घर के लिए कोई सेकंड हैंड चीजें खरीदना चाहता है या कोई सेकंड हैंड चीज बेचना चाहता है और उसकी नजर आपके ऐड पर पड़ गई कि मैं वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक कर सकता हूँ, तो वो आपको कॉल करेगा और फिर आपको अपने ऑफिस ऑफिस में बुलाएगा। और अगर आप उसको अच्छा काम करके दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपको और आगे भी काम दे। तो कस्टमर कहीं से भी मिल सकते हैं और ये तीन जगह मैंने आपको बताई जहां से आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हासिल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और पैसे भी बना सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है, ठीक है? और इन दोनों चीजों से या किसी भी चीज से आप रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो मेरा YouTube चैनल आप जानते ही हैं, वहां आप कमेंट करते हैं, मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई देता हूँ। अभी मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम बनाने में बिजी हूँ। ये प्रोग्राम मेरे को फाइनल करना है, काफी दिनों पहले से मैंने ये शुरू किया हुआ है और अब ये खत्म करना है, लोगों को देना है। अब मैंने इसका प्राइस 299 रुपीज तय किया है क्योंकि ज्यादा कम भी नहीं रखना, क्योंकि सब डाउनलोड कर लेंगे ऐसे, तो थोड़ा सा ज्यादा रखना है ताकि लिमिटेड लोग ही इसको डाउनलोड कर सकें और ये सारी चीजें सीख सकें। मैं आपके फीडबैक का इंतजार जरूर करूंगा, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर technicalsagarindia@gmail.com। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरा ईमेल आईडी है technicalsagarindia@gmail.com। थैंक यू सो मच, गुड बाय।